और अब परफॉर्म करने आ रही हैं देबोश्मिता रॉय। जानना चाहती हैं आपसे मिलने कौन आए? आइए देखते हैं। मेरा नाम शाहिदा परवीन गांगुली है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ और दो बच्चों की माँ। पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे 27 इयर्स प्लस हुए हैं। जब एंटी मिलिटेंसी मैंने अपनी मर्जी से जब मैं चली गई इनकाउंटर में शुरुआत की, तो फर्स्ट इनकाउंटर ऐसा इनकाउंटर था कि जो हमारा सक्सेसफुल तो नहीं रहा। हमारी मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं थी अच्छे से, फायर हो गया पहले, तो जो जितने भी वहाँ थे दहशतगर्द तो वो भाग गए। तो वो भागे तो भागने के बाद क्या है कि हमारी पूरी टीम जब वहाँ आई, बट एक हमारे सीनियर ऑफिसर ने मेरे पास आके खड़े हो गए, कहा अच्छा भाग गए, मतलब ये आपका काम कहाँ है? तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, बट मैंने उनको कुछ बोले बगैर अपने आप से एक वादा ज़रूर किया कि एक दिन होगा ऐसा, ये आप नहीं मानोगे, ये हमारा स्टेट नहीं, पूरा देश पूरा वर्ल्ड जानेगा कि एक औरत क्या कर सकती है। मैंने उसके पीछे फिर दिन रात फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो रेस्ट इज हिस्ट्री। शाहिदा परवीन आज देश की जानी मानी वुमन एसीपी ऑफिसर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जो देश की हर उस लड़की को प्रेरित करती हैं जो कुछ अलग और हटकर करना चाहती है। वाह 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 क्या बात। नमस्ते मैम। मैम अगर हम आपसे पूछ सकें कि आपने आज तक कितने इनकाउंटर्स किए? मैं इनकाउंटर तो गिन नहीं सकती क्योंकि 5 साल मैंने एसओजी में काम किया है और अब स्टेट में काम किया है, तो हर रोज एक इनकाउंटर होता था। आप गिन लीजिए कितने इनकाउंटर होंगे। मैम ऑन अ डेली बेसिस आप कैसे हैंडल करते हैं? आपको डर नहीं लगता है? मैम सच बताऊं आदित्य, डर कुछ होता ही नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है, आप जब एक बच्ची को जब बड़ा करते हैं उनको कभी ये मत बोलिए कि आप अबला हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आज ये कहती हूँ कि औरत जो कर सकती है वो मेल एक टाइम पे, मैं हस्बैंड के साथ कई बार मजाक में होती हूँ कि आप सिर्फ जाके महाज पे लड़ सकते हो, जंग कर सकते हो, आप 4 चीज़ें इकट्ठे नहीं चला सकते। मेरी तरह बच्चों को नहीं देख सकते, मेरी तरह घर को नहीं देख सकते, एवरेस्ट को जाने की प्लान नहीं कर सकते। वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़ियाँ पहनना दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। और मर्दानगी पे सिर्फ मर्दों का कॉपीराइट नहीं है। मैं आपकी वीरता को, आपके शौर्य को नमन करता हूँ मैम। थैंक यू मैम, आप हमारे लिए बहुत बड़ी आइडल हैं और प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए अपना कि हम आप ही की तरह निडर और साहसी बने और अपने भारत देश के लिए सेवा करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, ये हर नई पीढ़ी को सिखाना पड़ता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में मां भारती का रक्त है वही देशभक्त है। क्या बात। और उसकी वजह क्या है जानते हैं? हमारी माएं।
हमारी माएं जो हमें दूध से पहले देश प्रेम पिलाती हैं, जन्म लेते ही हमारे माथे पर वतन की मिट्टी लगाती हैं और पूरा बचपन हमें वीरों की कथाएं सुनाती हैं। तभी तो हम 23 साल में रंग दे बसंती गा के फांसी पर झूल जाते हैं, 25 साल में दिल मांगे मोर याद रहता है और जान प्यारी है ये भूल जाते हैं। कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि इसके जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते, यहां बलिदानियों के चिताओं पर मातम नहीं होते, ये भारत है, यहां सर झुकाने वाले पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया और पग पग पे वीरों का बसेरा, ऐसा देश है मेरा। क्या बात है? यार मुझे तो देबोस्मिता में ना, जब भी उसका परफॉर्मेंस सुनता हूँ ना, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि हम सोचते रह जाएंगे और देबोस्मिता विनर बन सकती है। बिल्कुल। तुमने आज म्यूजिक का स्तर ऊपर कर दिया इंडियन आइडल में ये परफॉर्मेंस देकर। आउटस्टैंडिंग है, फैंटास्टिक। देबोस्मिता, आपने मौसम बदल दिया। जजेस प्लीज इनकी परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। क्या हुआ? हुआ क्या? डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? एक बार आप सर से मिल। आ जाओ ये पकड़ो आप एक बार। जजेस एक She's a bit nervous because she has to perform in front of sir, in front of you. Don't worry. Just take his blessings and see. Here we go.
Yes. अभी गाना है, बाद में यहाँ पर पक्का चल आ जाओ पक्का. Come on, Deboshmita. Come on, Deboshmita. On cue, can we have some water, please? हम लोग साउंड चेक शुरू करते हैं. हाँ, मेरा रैप में हाँ मैं गाऊंगा ना, ऑफ कोर्स. कहाँ से गाऊं बताओ, यहाँ पे बैठ के देखूं आपका परफॉर्मेंस. कैडबरी बोले मैं मीठा हूँ, कॉम्प्लान बोले मैं मीठा हूँ, हॉर्लिक्स बोले मैं अच्छा हूँ, अमूल बोले मैं सच्चा हूँ, क्या सबने सोचा मैं बच्चा हूँ, चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है,
टेंशन 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 सर। और सोचिए सर, नर्वस होने के बाद ऐसा गाया है। देबो, आज तुमने क्या खाया है? बताओ क्या खाया है? ऑमलेट पाव खाया। ऑमलेट पाव खाया है तो हमेशा ऑमलेट पाव खाया करो, बिकॉज ये अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस है। इस लेवल की एनर्जी, सुर क्या लग रहे थे तुम्हारे, टोटल क्वालिटी, अल्फाज को महसूस करना, वोकल एम्पलीफायर अप डाउन, करेक्ट टाइमिंग, ओ माय गॉड। और रहमान साहब के इतने डिफिकल्ट गानों को ऐसे तुमने एफर्टलेस तरीके से गा दिया। Yeah, I think if she was nervous and I think she was waiting to explode. No. So she was like controlling her. And I think it's always like put people's expectations down so that we can excel. Good psychological trick. Oh, yeah, but the fact is that she sings very, very well. There is a legendary singer who does that always. She'll come and say, oh, headphones are not working. I'm not hearing this stuff. After like 10 minutes, she'll just go. I won't tell who it is. Okay. Come on, you have to tell now. Abhi to pata nahi padega. The lady who sang the song. Achha. Asha ji ki baat kar rahe hain. Wo bhi aise hi karte hain. Congratulations. It's honorable, especially Tanha Tanha, you know, going on the Sindhubarvi on top. I was just waiting for that note, Komal Ree, to come in. You just nailed it. Thank you, sir. Thank you. Main yehi kahunga, जो है समा बांध दिया इन्होंने, मौसम बदल दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।